नेक्स्ट नाइन न्यूज, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज स्पेशल प्रोग्राम में। आप जानते हैं हम जब भी स्पेशल प्रोग्राम लेकर आते हैं तो हम यहाँ पर बात भी स्पेशल ही कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ क्या कुछ बी टाउन में लाइमलाइट का कारण है, क्या कुछ खबरें आ रही हैं, हम इस स्पेशल प्रोग्राम में आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे जो कैंसर से जूझ रही हैं, जी हाँ, हाल ही में सोनाली बेंद्रे ने खुद ट्वीट करके अपनी बीमारी की जानकारी अपने फैंस के साथ साझा की थी, जिसके बाद जैसे ही ये खबर सामने आई, जैसे ही सोनाली बेंद्रे का ये ट्वीट सामने आया, मानो बी टाउन में सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। उनके फैंस आए दिन उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। साथ ही साथ बी टाउन के भी तमाम सितारे, सोनाली के तमाम फ्रेंड्स जो हैं, वो उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए दुआएं करते भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सोनाली बेंद्रे ने बताया कि उन्हें हाई ग्रेड कैंसर हो गया है। जी हाँ, कहा जा रहा है, खबरों का ऐसा कहना है कि सोनाली बेंद्रे का जो कैंसर है वो काफी ज्यादा डेंजरस है। दरअसल सोनाली बेंद्रे इन दिनों न्यूयॉर्क चली गई, जैसे ही उन्हें पता लगा, न्यूयॉर्क में अभी उनका इलाज चल रहा है, दुआएं हर कोई कर रहा है। मगर आज आप इस प्रोग्राम में देखेंगे जहां पर बी टाउन के सितारे आए दिन ट्वीट करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बच्चन परिवार के छोटे बच्चन यानी अभिषेक बच्चन जो हैं वो सोनाली बेंद्रे से मिलने के लिए उनके घर गए। जी हाँ, क्या कुछ पूरा वाक्य रहा, किस तरह से मुलाकात हुई, कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन ने सोनाली के हस्बैंड से मुलाकात की है, जहां पर दोनों ने आपस में बातचीत की और कहीं ना कहीं अभिषेक बच्चन ने भी उन्हें आश्वासन दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, किस तरह से अभिषेक बच्चन जो है वो सोनाली बेंद्रे से मिलने उनके घर पे गए। कहते हैं कि इंसान का कुछ नहीं पता, आज हम खुश हैं तो जरूरी नहीं कि कल भी हम खुश होंगे, आज हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो जरूरी नहीं कि कल भी ये अच्छा समय रहेगा। ऊपर वाले की मर्जी रही तो सब अच्छा होगा, अगर ऊपर वाले की मर्जी नहीं हुई तो वो पल भर में कुछ भी कर सकता है। इंसान अपने आप को फिट रखने के लिए ना जाने क्या कुछ करता है। इंसान अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए तमाम तरह के स्किन प्रोडक्ट्स को यूज करता है, तमाम तरह के ट्रीटमेंट लेता है कि वो सदाबहार खूबसूरत और फिट और फाइन रहे, मगर जिंदगी का कुछ नहीं पता, ये बिल्कुल सच है। ऐसा ही कुछ हुआ बी टाउन में भी, जहां अचानक से श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जहां पर जब ये खबर सामने आई तो मानो हर कोई सदमे में चला गया। किसी ने ये नहीं सोचा था कि श्रीदेवी अचानक ऐसे दुनिया को छोड़ देंगी, मगर वहीं हाल ही में बी टाउन से एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद हर कोई सदमे में रह गया, और वो ये है किसी का हंसते खेलते किसी को कैंसर हो जाना। जी हाँ, कैंसर अपने आप में ही एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हर कोई घबरा जाता है, हर कोई डर जाता है, हर कोई परेशान हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ सोनाली बेंद्रे के साथ। सोनाली बेंद्रे बॉलीवुड की वो खूबसूरत अदाकारा जो हमेशा से ही अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी बेहतर अदाकारी के लिए भी जानी जाती हैं। मगर अचानक ही एक दिन सोनाली बेंद्रे ने ट्वीट करके एक ऐसी जानकारी फैंस के साथ साझा की जिससे मानो हर कोई हैरान रह गया, जिससे मानो हर किसी के दिमाग में सबसे पहला ये सवाल आया कि कैंसर ये कैसे हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है, जब ये ट्वीट हर किसी ने पढ़ा तो हर किसी के जहन में जरूर आया होगा। ट्वीट करके सोनाली बेंद्रे ने अपना दर्द को बयां किया, इतना इमोशनल मैसेज खुद सोनाली बेंद्रे ने पोस्ट किया, वो भी ट्विटर पर। हालांकि उस ट्विटर मैसेज में सोनाली बेंद्रे काफी ज्यादा पॉजिटिव भी होती दिखाई दी, जहां पे सोनाली बेंद्रे ने कहा कि मैं ये जंग जीत कर ही वापस आऊंगी, मुझे काफी खुशी है कि इस मुश्किल घड़ी में मेरा परिवार मेरे साथ है। आपको बता दें, जैसे ही खबर सामने आई तो मानो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। सोशल मीडिया
के साथ साथ बी टाउन में भी काफी ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन सामने आने लगे। हर कोई सितारा सोनाली के लिए दुआएं करता दिखा, हर कोई तमाम तरह के ट्वीट करता हुआ नजर आया। खबरें हैं कि तमाम सितारे जो हैं वो न्यूयॉर्क जाके सोनाली बेंद्रे से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसी ही एक खबर आ रही है कि बच्चन परिवार के छोटे बच्चन यानी अभिषेक बच्चन सोनाली बेंद्रे के हस्बैंड से उन्होंने मुलाकात की। जी हाँ, जहां पर हर कोई उन्हें आश्वासन देता दिखाई दे रहा है, हर कोई उन्हें ये कहता दिख रहा है कि सोनाली ये जंग जीत कराएगी। ऐसे में यहाँ पर पीछे नहीं रहे अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन न्यूयॉर्क गए। कहा जा रहा है कि वो सोनाली के घर पे जाके उन्होंने उनके पति से मुलाकात की। सोनाली जहाँ पे वो अभी न्यूयॉर्क में उनका इलाज चल रहा है और आए दिन बी टाउन का हर एक सेलेब, हर एक सदस्य, हर एक उनका फैन जो है वो उनकी जंग में जीत के लिए ही दुआ कर रहा है। बता दें आपको कि सोनाली बेंद्रे को हाई ग्रेड कैंसर हुआ है, जो कहा जा रहा है कि देश में 70% महिलाएं इस कैंसर से जूझती हैं, इस कैंसर का शिकार होती हैं। पुरुषों के मुताबिक ये कैंसर महिलाओं के शरीर में सबसे ज्यादा होता है। और साथ ही साथ कहा तो ये भी जा रहा है खबरों की माने कि सोनाली बेंद्रे जो हैं वो फोर्थ स्टेज पर है। हर कोई दुआएं कर रहा है। ऐसे में अभिषेक बच्चन भी वहां गए जहां पर उन्होंने सोनाली बेंद्रे के परिवार वालों को आश्वासन दिया कि सोनाली ठीक ठाक ही वापस आएगी। बी टाउन के तमाम सितारे जो हैं वो आए दिन ट्वीट पर ट्वीट करे जा रहे हैं कि सोनाली बेंद्रे ये जंग को जीत कर आएंगी। पर सच कहते हैं कि इंसान तरक्की के लिए ना जाने कितनी भगदड़ करता है। पैसा कमाने के लिए, कामयाब होने के लिए वो इतनी मेहनत करता है, पर अगले पल का ही नहीं पता कि अगला पल कैसा आएगा, अगला पल अच्छा होगा या फिर बुरा। पर हम ये दुआ करते हैं और फैंस से भी गुजारिश करते हैं कि फैंस आए दिन सोनाली के लिए दुआएं करें कि सोनाली बेंद्रे अपनी जिंदगी की इस जंग को जीत कर ही भारत लौटे। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा स्पेशल प्रोग्राम में जहां पर हमने आपको दिखाया सोनाली बेंद्रे से जुड़ी तमाम चीजें। सोनाली बेंद्रे जहां अपने आप में एक काफी ही मशहूर एक्ट्रेस हैं। सोनाली बेंद्रे अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, अपने अच्छे व्यवहार के लिए उनको जानी जाती थी वो, साथ ही साथ फैंस के दिलों में हमेशा से उनकी खूबसूरती कायम रही। हमेशा से ही फैंस जो है उनकी खूबसूरती के दीवाने होते दिखाई दिए हैं। जी हाँ, साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि खबरों का ऐसा कहना है कि अभिषेक बच्चन जो हैं वो सोनाली बेंद्रे से मिलने गए। जहाँ पे अभिषेक बच्चन तो उनसे मिलने गए, मगर अब तक हैरानी की ये बात है कि अमिताभ बच्चन ने एक भी ट्वीट करके सोनाली बेंद्रे के लिए कुछ नहीं कहा। सदी के महानायक, बी टाउन के शहंशाह कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन, जो सोशल मीडिया के भी शहंशाह हैं, मगर उन्होंने मानो चुप्पी ही साध ली। अमिताभ बच्चन छोटी सी छोटी चीज को भी ट्विटर पर पोस्ट करते हैं, बड़ी सी बड़ी चीज को भी वो ट्विटर पर पोस्ट करते हैं, मगर सोनाली बेंद्रे जहां पर बी टाउन के तमाम सितारे उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, तमाम तरह के उनके लिए इमोशनल पोस्ट लिख रहे हैं, मगर अब तक अमिताभ बच्चन के ट्विटर अकाउंट से एक भी ट्वीट सामने नहीं आया। जहां पर बिग बी, पता नहीं उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया, मगर कहीं ना कहीं छोटे बच्चन यानी अभिषेक बच्चन जो हैं वो बखूबी जानते हैं कि ऐसे मुश्किल घड़ी में किस तरह का हमें क्या कुछ करना चाहिए। जहां पर खबरों का कहना है कि अभिषेक बच्चन सोनाली बेंद्रे के हस्बैंड से मिलने गए, आए दिन ये दुआएं चल रही हैं कि सोनाली बेंद्रे जो अपनी जिंदगी की इतनी कीमती लड़ाई को लड़ रही हैं, कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही हैं, तो वो ये जंग जीत के ही वापस आए। हम भी यही कहेंगे, हम भी ये दुआएं कर रहे हैं, फैन से भी हम यही कहेंगे कि वो लगातार सोनाली के लिए दुआएं करते रहे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।